अयोध्या में बीजेपी की हार पर बोले हैं अखिलेश यादव, अयोध्या में बीजेपी ने गरीबों को उजाड़ा है, बीजेपी ने गरीबों का घर छीना। एनडीए सरकार बनने पर बोले हैं अखिलेश यादव, नंबर जिसके पास वही शपथ लेगा। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पर मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। हमें उम्मीद है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। सबसे महत्वपूर्ण पद होता है जो कि हमने पिछले 5 साल में देखा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में मुखर होना चाहिए, देश के मुद्दों को उठाना चाहिए। आपने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, आरजेडी ने उठाया, जो चुनाव में वो पार्लियामेंट में उठना चाहिए। एक दमदार एलओपी के तौर पर आप लोग आ रहे हैं सामने। देखिए, खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। फौज की नौकरी बढ़े, नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है उसको, आप गरीबों को जाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। मुख्यमंत्री आ जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं, उनको तलब किया गया। तो अगर दिल्ली आ रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, दिल्ली में रोक लो, यूपी क्यों भेजते हो वापस? सर, अब आपकी सीट जो विधानसभा की सीट है उससे कौन चुनाव लड़ेंगे? आपका मन हो तो बताओ, हम लड़ा दें आपको भी। अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है? सर, कल खड़गे जी ने कहा, अभी उम्मीद बाकी है।